Fine. So in today's video, we are going to study partial fraction. And in partial fraction, I've written a few things that we have discussed many a times. Rational algebraic function, proper rational algebraic function, and improper rational algebraic function. But before I come to this, I must discuss ये partial fraction का क्या मतलब है, ठीक है? ये वाली चीज़ तभी apply होती है जब कभी भी आपके पास rational algebraic functions होते हैं. एक simple सा example देता हूँ. Suppose करो आपके पास कुछ ऐसा इंटीग्रेट करने को है, x square plus 3x plus 2, ठीक है? ऐसा कुछ आपके पास इंटीग्रेट करने को है, तो क्या ऐसे फॉर्म्स हमने किए हैं? बिल्कुल कर रखे है ना, हमने ऐसे फॉर्म्स कर रखे है ना. इसको हम लोग क्या करते थे, इसको हम लोग x square plus a square या फिर x square minus a square वाले फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, ठीक है? नाउ देयर इज अ येट अनदर एंड इजियर फॉर्म. Whenever the denominator is, you can say that whenever it is factorizable, तब आप partial fraction को ज़्यादा आसानी से implement कर पाओगे और calculation काफ़ी reduce हो जाएगी. तो आपको ये easily दिख रहा है कि ये जो मेरे पास, चलो मैं सिर्फ expression को लिखता हूँ, right? Differentiation वाला part में अलग से लिख लूँगा, I mean integration वाला part में अलग से कर दूँगा. पहले मैं सिर्फ इसको इस expression को लिख रहा हूँ. मेरे पास expression कितना है? This is the expression, ठीक है? मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना. I can factorize it as x plus 2 into x plus 1. I hope all of you are comfortable with that. ठीक है? और इस चीज़ को बहुत ईजी सा एक्सप्रेशन है, तो क्या हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 ओवर, बिकॉज 2 से 1 कैंसिल करना है, तो इधर x plus 1 ले लेता हूँ और इधर x plus 2 ले लेता हूँ, राइट? यहाँ पे x plus 2 आ जाएगा, यहाँ पे x plus 1 आ जाएगा, तो 2 माइनस 1 और x 2 कैंसिल हो जाएगा. यानी दिस एक्सप्रेशन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो आपको ये समझ में आता है. इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ dx एक्स ओवर एक्स प्लस वन माइनस डी एक्स ओवर एक्स प्लस टू. आई एम प्रिटी श्योर ऑल ऑफ यू वुड अग्री दैट इसको वो होल स्क्वायर वाले फॉर्म से कन्वर्ट करने से ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा सिंपल तो ये वाला है. बट हाँ, ये वाली चीज़ तभी होती है जब ये फैक्टराइजेबल है, ठीक है? तो अगर ये वैल्यू है फिर तो तुम्हें आंसर पता है. व्हाट इज़ द आंसर? दिस इज कमिंग आउट टू बी एक्स प्लस वन लॉग ऑफ एक्स प्लस वन, एंड दैट वुड बी व्हाट, लॉग ऑफ एक्स प्लस टू प्लस टू. क्या मैं इसको फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ? सर्टेनली यस, लॉग ऑफ एक्स प्लस वन ओवर एक्स प्लस टू. तो देखो, पार्शियल फ्रैक्शन इसका ये मतलब होता है कि जो बड़े बड़े फ्रैक्शन होते हैं ना, उसको अगर मैं छोटे छोटे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ, पार्शियल पार्ट में कन्वर्ट करूँ, दैट इज वॉट पार्शियल फ्रैक्शन इज. बड़े से फ्रैक्शन को मैं छोटे छोटे दो पार्ट में एक्सप्रेस कर दे रहा हूँ, उससे क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन आसान हो जा रही है, कैलकुलेशन ईजी हो जा रही है, ठीक है? तो ये बहुत ईजी सी चीज़ थी, ये तो आसानी से हो गई. और एक और कंडीशन लेते हैं, आई होप दैट इज ओके, राइट? कैन यू जस्ट शो मी योर हैंड्स अप इफ दैट इज फाइन? यू अंडरस्टैंड दैट, राइट? वंडरफुल, दैट इज गुड. देखो, एक और एग्जाम्पल लेते हैं. बिफोर आई गो इन टू द थियोरी डीप, वी शुड लुक इन टू वन मोर एग्जाम्पल सो दैट वी अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकलिटी ऑफ दिस. ओके, लेट्स से तुम्हारे पास कुछ ऐसा आ गया, कुछ ऐसा आ गया, डी एक्स ओवर एक्स प्लस वन, मतलब ये फैक्टराइज फॉर्म में है, एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री, कुछ ऐसा आ गया. अब वहाँ तो दो था, तो हमने फटाफट से सोचा कि अच्छा ठीक है, ये कैंसिल हो रहा है, हो जाएगा. बट यहाँ पे कैसे बनेगी बात? तो दैट इज वेयर, अब देखो इसका जो अलजेब्रा वाला पार्ट है सिर्फ उसकी बात करते हैं, इंटीग्रेशन वाला पार्ट इज नेवर डिफिकल्ट. इस तरह के क्वेश्चन में इंटीग्रेशन इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम चिल्ड्रन. इट इज ओनली द सिंप्लीफिकेशन एंड द पार्शियल फ्रैक्शन वाला पार्ट, जो अलजेब्रा वाला पार्ट है वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, डिफिकल्ट वो भी नहीं है, लेकिन अब थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है जब एक्सपीरियंस थोड़े से लंबे होते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है. बट अदरवाइज इंटीग्रेशन पार्ट इज वेरी वेरी इजी. ओके, तो देखो क्या ये जो एक्सप्रेशन है मेरे पास, वन ओवर एक्स प्लस वन, क्या मैं इसको डायरेक्टली ऐसे ही प्लस माइनस करके लिखूंगा जैसे मैं लास्ट एक्सप्रेशन लिख दिया था? सर्टेनली नॉट, राइट? अब ये डायरेक्टली तो नहीं हो पाएगा, ये वाली चीज़ डायरेक्टली तो नहीं हो पाएगी. तो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन का रोल स्टार्ट होता है, राइट? इसको मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, ए अपॉन एक्स प्लस वन, बी अपॉन एक्स प्लस टू, बहुत ध्यान से देखना, बहुत डिटेल में बताने जा रहा हूँ, सी अपॉन एक्स प्लस थ्री, ठीक है? हमने इस तरीके से इस एक्सप्रेशन को लिख लिया, राइट? अब इससे क्या बेनिफिट होता है, जब मैं इधर एलसीएम लूंगा तो मेरे पास राइट हैंड साइड पे क्या आने वाला है, ध्यान से देख लो, ए इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री,
बी इंटू, कोई भी अगर किसी भी स्टेप में परेशानी हो, प्लीज डोंट कीप दैट परेशानी विद यू, ब्रिंग इट टू मी, लेट मी नो व्हाट इज दैट परेशानी. ओके, एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड दैट. एलसीएम नीचे सेम आने वाला है, इधर भी सेम है, लेफ्ट साइड पे मेरे पास न्यूमरेटर कितना है, इट इज वन. एज वी हैव द डिनोमिनेटर सेम ऑन बोथ द साइड्स, आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द न्यूमरेटर, राइट, आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द न्यूमरेटर. सो दिस इज हाउ आई कैन एक्सप्रेस थिंग्स, राइट. एंड वंस आई एम एबल टू एक्सप्रेस थिंग्स लाइक दिस, राइट, वंस आई एम एबल टू एक्सप्रेस थिंग्स इन दिस मैनर, तो इससे अब ए बी सी की वैल्यू निकल सकती है क्या? हाँ निकल सकती है. कैसे निकल सकती है? दो तरीके से निकल सकती है. तुम अगर राइट साइड पे ध्यान से देखो तो तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर का कुछ कोफिशियंट होगा, आई थिंक अगर ध्यान से देखो तो पता भी लग रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, राइट. और अगर आप एक्स का कोफिशियंट ढूंढना शुरू करें तो वो भी पता लग रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 5x, यानी यहाँ से मिलेगा मुझे 5a, यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 4x, यहाँ से मुझे मिलने वाला है 4b, और यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ आ रहा है 3x, तो यहाँ से कितने क्या मिलने वाला है 3c, और कुछ कॉन्स्टेंट टर्म आएगा, तो कॉन्स्टेंट टर्म कितना हो जाएगा, कॉन्स्टेंट टर्म विल बी 6 टाइम्स a एंड 4 टाइम्स b एंड I'm sorry, that will be 3 times 3, right? 1 into 3. यहाँ पे 2 into 3, 6, that is okay. 1 into 2, that will be twice of c. ये आप तुम्हारा x square का coefficient है, ये x का coefficient है, right? सब कुछ plus में है, और ये तुम्हारा constant term है. I hope you understand, आप क्या करोगे? इसको आप 1 से equate करोगे, इनको आप 0 से equate करोगे. But why? Because on the left hand side, we don't have anything like x square and x. इसलिए हम उसको जीरो से इक्वेट करेंगे. हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं ए बी सी और तीन इक्वेशंस हैं, सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी. दैट इज वन वे टू डील विद सच काइंड ऑफ कैलकुलेशन. आई थिंक दैट इज स्लाइटली यू नो लेंथियर, थोड़ा लेंथी पड़ जाता है. मुझे पर्सनली ये वाला मेथड बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता, ठीक है. हालांकि दोनों मेथड हमें आने चाहिए, इसलिए मैंने ये डिस्कस किया, ठीक है. लेकिन पर्सनली मुझे ये वाला मेथड ज़्यादा पसंद नहीं आता. तो कौन सा कोई ऑल्टरनेट मेथड है जिसमें कि कैलकुलेशन कम करनी पड़े? हाँ है, बिल्कुल है. देखो अल्टीमेटली ये इक्वेशंस है ना, और आपको पता है कि अलजेब्रा में होता क्या, अलजेब्रा में सिंपली आप नंबर्स की जगह वेरिएबल्स रख देते हो, दैट इज अलजेब्रा. व्हाट इज अलजेब्रा? आपने जब कभी भी नंबर्स की जगह पे वेरिएबल्स रख दिया, उसी को अलजेब्रा कहते हैं. सिंपल अंडरस्टैंडिंग अगर मैं बात करूँ अलजेब्रा की होती है क्या, तो ये होती है अलजेब्रा. अब क्या है कि अगर मैं इस एक्स की जगह पे कुछ भी रख सकता हूँ ना, एज पर द गिवन रूल, ठीक है. तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन ऑर्डर टू मेक थिंग्स ईजी, मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले x इज इक्वल टू माइनस वन रखूँगा. ध्यान से देख लो क्या रख रहा हूँ, माइनस वन. तो ये क्या बना, ये बना वन और ये बना टू, और ये सब कुछ हो गया जीरो, सब कुछ हो गया जीरो. तो a की वैल्यू मेरे पास एक ही बार में निकल के आ गई, कितनी, 1/2. ये तो मज़ा आ गया, दिस इज गुड, राइट, दिस सडनली इज गुड. अब क्या करूँ, बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम. अब क्या करूँगा, x इज इक्वल टू माइनस टू रखूँगा. जैसे ही मैं माइनस टू रखूँगा, दिस विल बिकम जीरो, दिस विल बिकम जीरो, और ये कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस वन इंटू वन, यानी ये अब मेरे पास कितना आ गया, बी इंटू माइनस वन, यानी कि माइनस बी इज इक्वल टू लेफ्ट साइड कितना है, वन, यानी बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, बी इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक है. ए की वैल्यू हाफ आई, बी की वैल्यू माइनस वन आई. अब क्या करूँ, एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री रख देता हूँ, ये जीरो, ये जीरो. जब माइनस थ्री रखा तो ये कितना हो गया बेटा, दैट इज माइनस टू एंड दिस इज माइनस वन, यानी कि ये आ गया मेरे पास प्लस टू सी. तो ट्वाइस ऑफ सी इज इक्वल टू वन. व्हाट इज सी? सी इज 1/2. आई एम श्योर इवन यू फाइंड इट इजियर एंड फास्टर. इफ यस, जस्ट टाइप जी टू जी, गुड टू गो, आगे बढ़ो, जल्दी से टाइप करो, फास्टर. दैट वॉज वेरी क्विक, शाबाश. यू शुड बी क्विक, यू शुड बी रिस्पॉन्सिव, राइट. रिपीट प्लीज, आर प्लीज, ठीक है, ओके. ओ भाई आर प्लीज करते हैं, आर प्लीज मतलब रिपीट प्लीज, ओके. चलो भाई देखो, सो दिस इज व्हाट वी डिड, राइट. उसके बाद मैंने ये कहा कि या तो तुम इसके पूरे पूरा ओपन करते, काफी लंबा एक्सप्रेशन आता तुम्हारे पास, एक्स वाले कुछ कोफिशियंट होते, एक्स होता और फिर अकॉर्डिंगली कॉन्स्टेंट टर्म होता. आप कंपेयर करते एक्स वाले कोफिशियंट, LHS, RHS, और फिर आपके पास तीन इक्वेशन बनते, तीन इक्वेशंस हैं, तीन अननोन्स हैं, ए बी सी. आप उसको सॉल्व करते वैल्यू आ जाती. बट मैंने ये सजेस्ट किया, तुम्हारे पास ये एक इक्वेशन है, अलजेब्रिक इक्वेशन है, राइट, अलजेब्रिक इक्वेशन है. मैं अगर चाहूँ तो मैं एक्स की वैल्यू
एज पर आर कन्वीनियंस कुछ भी रख सकता हूँ ना। अब अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, देन आई कैन, दिस इज ट्रू फॉर एनी एक्स एंड वाई। तुम एक्स और वाई की जो मर्जी वैल्यू रख लो, तुम्हें ये वाली चीज़ हमेशा सही मिलेगी, राइट। तुम एक्स की वैल्यू 10 रख लो, वाई की वैल्यू 2 ले लो, कितना हो गया 12 का स्क्वायर 144, यहाँ कितना हो गया 10 का स्क्वायर 100, 2 का स्क्वायर 4, 2xy इज हाउ मच, दैट इज 40, 144 आया नहीं आया। तो अलजेब्रा की खास बात यही होती है, तुम कुछ भी ले सकते हो। तो मैंने अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू ली, मैंने देखा ये फैक्टर्स मैंने पिक किए, मैंने एक्स इज इक्वल टू माइनस वन लिया, माइनस वन लेने से क्या हो गया, ये जीरो हो गया और ये जीरो हो गया। नाउ ए इंटू समथिंग जिससे मुझे ए की वैल्यू पता लग गई, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1। फिर मैंने एक्स इज इक्वल टू क्या लिया, माइनस टू लिया, उससे फर्स्ट और थर्ड एक्सप्रेशन जीरो हो गया और मेरे पास बी आ गया, एंड अकॉर्डिंगली देन आई टुक एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री वेर आई गॉट द वैल्यू ऑफ सी। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, ओके। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि पार्शियल फ्रैक्शन को हम डील कैसे करते हैं, इस कैलकुलेशन को हमने समझा, एंड आई एम वेरी श्योर वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी तो इंटीग्रेशन इसको करना कुछ भी नहीं है, इवन यू नो द आंसर कितना होने वाला है, ये हाफ ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस वन माइनस ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस टू हाफ ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस थ्री, इजंट दैट यस और नो, राइट। ठीक है, तो ये बेसिक बातें हैं और ये सर्टेनली आपको अब समझ में आनी चाहिए। थोड़ा सा इसमें और डीप चलते हैं, राइट, ताकि क्वेश्चंस में हमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं आनी चाहिए, राइट। इस कॉन्सेप्ट को इतने, बिकॉज क्वेश्चन में ना सिर्फ ये पार्शियल फ्रैक्शन में रिड्यूस करने वाली चीज ही है, इंटीग्रेशन तो तुम्हें ऑलरेडी आ चुका है, यू ऑलरेडी नो एवरीथिंग अबाउट इंटीग्रेशन नाउ, मतलब आपने लेवल पे, राइट, जिस लेवल पे आप पढ़ रहे हो उस लेवल पे इंटीग्रेशन के बारे में तुम्हें अब सब कुछ पालोगे, सिर्फ अब इस तरह के एक्सप्रेशन को कैसे डील करना ये देखना है। तो देखो समझो, हालांकि ये बात मैंने तुम्हें पहले ही बताई थी लेकिन फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है कि अगर मेरे पास पी एक्स अपॉन क्यू एक्स इस तरह का अगर कोई एक्सप्रेशन है जिसको मैं क्या बोलता हूँ, रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। कोई भी फंक्शन, जैसे कि सपोज करो यहाँ मेरे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और नीचे मेरे पास है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी। तो रैशनल में आपके पास पता है रैशनल नंबर दो तरह के होते हैं, एक तो प्रॉपर रैशनल नंबर और एक इम्प्रॉपर रैशनल नंबर, है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में तुम्हें याद दिलाऊं क्या होता था, जब हमारी डिग्री, जब न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो छोटी होती है, राइट, वेन एवर द डिग्री, राइट, वेन एवर द डिग्री ऑफ पी एक्स, पी एक्स इज लेस दैन द डिग्री ऑफ क्यू एक्स, राइट, दैट इज डिग्री, ओके। Whenever the degree of the numerator is less than the degree of the denominator, you'll call it what? You'll call it proper rational algebraic functions. The other way, you'll call it improper. Yani kabhi bhi agar tumhare paas px ki value, degree of px is greater than or equal to, in that case, right, I'm talking of the degree, okay? In that case, it will be improper. So agar proper hai, tab tum rational function mein straight away convert kar sakte ho. I mean partial fraction straight away apply kar sakte ho. ठीक है, कभी भी अगर तुम्हारे पास प्रॉपर रैशनल फंक्शन है आप उसको पार्शियल फ्रैक्शन में स्ट्रेट अवे कन्वर्ट कर सकते हैं। बट अगर वो इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है तो आप पहले उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, कैसे, बाय लॉन्ग डिविजन। हाउ वुड यू डू इट चिल्ड्रन, बाय लॉन्ग डिविजन। शैल आई गिव यू सम एग्जांपल, एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट क्लास है, आपको पता है फर्स्ट क्लास हम लोग बहुत रिलैक्स तरीके से करते हैं। आइए इम्प्रॉपर का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, रैंडमली कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट्स से हमें इंटीग्रेट करना है, आपको पता है इंटीग्रेशन वाला पार्ट कोई टेंशन है ही नहीं, दिस इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, एंड इन द डिनोमिनेटर यू हैव एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ठीक है। नाउ वी आर सपोज टू इंटीग्रेट दिस, है ना, बढ़िया सा एक्सप्रेशन लग रहा है, ठीक ठाक है। अब देखो हम कैसे सोचेंगे, अब क्योंकि अब तुमने, अब नाउ एट दिस लेवल यू शुड लुक एट द लार्जर पिक्चर, ठीक है। जैसे इंटीग्रेशन के तुम्हें पता है कि भाई सिर्फ तीन तरीके होते हैं, एक तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन होता है, एक हमारे पास बाई पार्ट्स होता है और एक हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन होता है। जब कभी भी रैशनल फंक्शन आएगा तब हम पार्शियल फ्रैक्शन ही सोचेंगे, राइट, ऑब्वियसली बात है हम पार्शियल फ्रैक्शन ही सोचेंगे, दैट इज द ईजीएस्ट थिंग टू अप्लाई, राइट, ओके। अब ये पार्शियल पे कौन सा है, इम्प्रॉपर है या प्रॉपर है,
तो साफ साफ दिख रहा है ऊपर की डिग्री 3 है, नीचे की डिग्री 2 है, तो ये है तो इम्प्रॉपर। इसके लिए हमारे टीचर ने क्या बताया, उन्होंने बताया बेटा गो फॉर लॉन्ग डिविजन। ठीक है, तो देखते हैं इस एक्सप्रेशन को, राइट। एज यूजल आई एल फोकस ऑन द अलजेब्रा वाला पार्ट, देन ऑन द इंटीग्रेशन वाला पार्ट, बिकॉज इंटीग्रेशन वाला पार्ट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिलीव मी। ठीक है, तो जो इसका अलजेब्रा वाला पार्ट है थोड़ा सा उसको मैं ज्यादा हाईलाइट करता हूँ, राइट, उसको मैं ज्यादा जूम करके दिखाता हूँ तुम्हें, राइट। ये वाला जो पार्ट है, ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड दिस इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स। अब देखो नीचे तो मुझे फैक्टराइज होता हुआ दिखता है, बट ऊपर ऐसा कुछ फैक्टराइज होता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, आई कैनॉट फाइंड एनी थिंग विच कैन बी, आई मीन एनी हाउ शुड आई कैन फैक्टराइज द न्यूमरेटर, आई डोंट फाइंड एनी वे आउट। ठीक है, तो देखो मैं क्या करूँगा, मैंने बोला लॉन्ग डिविजन करो, तो लॉन्ग डिविजन तो तुम्हें पता है ना यार, राइट। ये लो मैं करके बता देता हूँ, इसे तुमने शायद 9th क्लास में 8th क्लास में पढ़ा होगा, राइट। आई एम प्रिटी श्योर आप सब ने पढ़ रखा है, बट अगर उस टाइम पर ध्यान से नहीं पढ़ा था तो अभी बहुत ध्यान से देख लेना। ठीक है, क्या लेते हैं क्वेश्चन, कुछ ऐसा लेते हैं जिससे कि हायर पार्ट कैंसिल होती है, जो बड़ी वाली पार होती है सिर्फ सारा फोकस पे होता है। तो एक्स क्यूब है, तो मैं यहाँ पे एक्स लूंगा, इससे मैंने क्वेश्चन को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, ये मेरे पास एक्स क्यूब आ गया, 5 से मल्टीप्लाई किया 5x स्क्वायर आ गया, और लास्ट टर्म कितना आ गया 6x आ गया। सब्सट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज होता है, दिस इज गॉन, ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस दिस, ये कितना हो गया 4x स्क्वायर, समझ रहे हो ना, माइनस 4x स्क्वायर, ये कितना हो गया माइनस 6x, और साथ में एक और क्या मेरे पास 1। अब क्या कैंसिल करूँगा, इस एक्स स्क्वायर को कैंसिल करूँगा, किससे होगा, जब मैं यहाँ पे इसका कोशेंट माइनस 4 लूँगा, तो माइनस 4 लिया तो कितना हो गया भाई, दैट इज़ कमिंग आउट टू बी माइनस 4x स्क्वायर, ये कितना हो गया बच्चों, दैट इज़ माइनस 20x, और ये कितना हो गया भाई माइनस 24। सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, साइन चेंज होगा, राइट, साइन चेंज होगा, दिस इज गॉन, माइनस प्लस गॉन, और ये माइनस 6 प्लस 20 कितना आ गया बेटा, दैट इज़ 14x। और यह मैंने रैंडम एक्सप्रेशन लिया है, तो अगर कुछ उल्टे सीधे नंबर जो है परेशान मत होना, एक क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में या बुक में मिलते हैं वो जनरली बेटर होते हैं। ठीक है, मैंने बहुत रैंडम सा एक एक्सप्रेशन लिख लिया है, ओके, तो 24 प्लस 1 दैट इज कमिंग आउट टू बी 25। ठीक है, यानी इस फॉर्म को तुम कैसे लिखते हो, किसी भी डिविडेंड को, राइट, डिविडेंड क्या होता है, जिसको हम डिवाइड करते हैं, दिस इज द डिविडेंड, वो क्या होता है कोशेंट, राइट, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है मेरे पास 14x प्लस 25 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडर। तो क्या इस फॉर्म में हम लोग आसानी से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताओ। ठीक है, और इसी का तुम्हारे पास इंटीग्रेशन था, तो इंटीग्रेशन में तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, ये रहा तुम्हारा इंटीग्रेशन, यहाँ पे लगा लो ब्रैकेट। ठीक है, ये डिवीजन वाला पार्ट मैं इरेज कर दूँ, समझ में आ गया होगा, ये सब तो बेसिक बातें हैं लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने पहले इस पे ध्यान नहीं दिया था तो मैं उम्मीद आपसे ये करता हूँ, आई एक्सपेक्ट कि नाउ एटलीस्ट यू आर प्रिटी कंफर्टेबल इन दीज थिंग्स, यू शुड बी, इफ यू आर नॉट प्लीज बी वेरी ब्लंट एंड डोंट हेजिटेट इन आस्किंग मी अगेन, ओके, ऑल राइट। देखिए तो यहाँ पे जब आपने इसको इस तरीके से लिख लिया, अब ये क्वेश्चन कुछ नहीं बचा, दिस इज ऑल डन। देखो ये वाला पार्ट तो वैसे ही इंटीग्रेट हो गया, मतलब ये तो तुम सपने में भी कर लोगे ना, मतलब सोते सोते भी कर लोगे, सपने में क्यों करोगे, रियलिटी में करोगे, राइट। तो ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस 4x, और ये जो दूसरा वाला पार्ट बचा है इसको मैं थोड़ा सा बेटर तरीके से एक्सप्रेस करने की कोशिश करूंगा। ये मेरे पास कितना है देखो ध्यान से, 14x प्लस 25। ऐसा नहीं है कि हमने इस तरह के एक्सप्रेशन पहले नहीं कर रखे, हमने पहले भी किए हैं, बट पहले हम लोग क्या करते थे, हम लोग इसको किस जो डिनोमिनेटर है, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, तुमने दो तरीके से इसको कर रखा है, ऑलरेडी कर रखा है तुमने, क्या तुम क्या करते थे, ये जो 14x प्लस 25 है इसको आप कैसे लिखते थे बेटा, आप इसको लिखते थे a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ द डिनोमिनेटर, ऐसे भी हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, यानी कि 2x प्लस 5 प्लस b के फॉर्म में लिखते थे, और फिर हम इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर लिया करते थे। ठीक है, दैट इज व्हाट वी यूज टू डू, जो हमने पहले अभी कर रखा है। ठीक है, और पार्शियल फ्रैक्शन जब हम लोग सीख चुके हैं तो हम कैसे कर रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि क्या ये फैक्टराइज हो रहा है, क्यों करते हैं, बिकॉज इसमें कैलकुलेशन काफ़ी कम हो जाती है, राइट। हम आखिर क्यों सीख रहे हैं, जब हम पहले से भी करना जानते थे तो हम आखिर सीख क्यों रहे हैं, इसलिए सीख रहे हैं बिकॉज इट इज इट मेक थिंग्स इवन सिंपलर, राइट। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज व्हाट, एक्स प्लस 2 इनटू एक्स प्लस 3, राइट, एंड सर्टेनली देयर वुड बी अ dx, जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग इसको इंटीग्रेट करने चाह रहे हैं। ठीक है, अब देखो इस एक्सप्रेशन पे ध्यान देना है, मैंने आपको बता दिया था पहले ही, जो इसका अलजेब्रा वाला पार्ट है वो थोड़ा सा सीखने वाला है, मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपने पहले कर रखा है तो बहुत बढ़िया, और नहीं किया है तो ध्यान से देखो, यहाँ पे मेरे पास कितना है 14x ओवर
14x प्लस 25, और नीचे कितना है बेटा, x प्लस 2। जैसे ही ये मेरा रैशनल, प्रॉपर रैशनल फंक्शन बन गया, उसके बाद तो बिना किसी प्रॉब्लम के मैं इसमें फटाफट से पार्शियल फ्रैक्शन लगा देता हूँ। कैसे लिख देता हूँ मैं इसको, a अपॉन x प्लस 2 एंड b अपॉन x प्लस 3। आई होप एवरी वन अमंग यू इज कम्फर्टेबल देयर। ठीक है, आओ मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ, इरेज नहीं करता हूँ। अरे नेक्स्ट पेज पे तो काफ़ी कुछ है, कहाँ लिखें, चलो यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, लेट इट बी हियर। ओके देखो, तो ये वाली चीज़ आ गई मेरे पास। अब हम मुझे ए और बी की वैल्यू चाहिए, तो आपको पता है जब मैं एलसीएम लूँगा डिनोमिनेटर विल बी गॉन। मेरे पास आ गया 14x प्लस 25, और ये कितना आ गया, ए टाइम्स x प्लस 3 एंड बी टाइम्स x प्लस 3। मैंने आपसे ये कहा था कि या तो तुम कोफिशेंट को कंपेयर कर लो, यहाँ पे क्योंकि एक्सप्रेशन बहुत सिंपल है, कोफिशेंट कंपेयर करके भी कर सकते हो, बट मैंने तुम्हें ये सजेशन दिया था कि डायरेक्टली तुम वैल्यू पुट करके रखो ज़्यादा अच्छा है। जैसे मैं यहाँ पे x = -2 रखूँगा, पहले क्या रखूँगा, -2। जब मैं -2 रखता तो ये तो हो गया 0, और ये कितना आ गया, a × 1, और इधर कितना बन गया, -28। तो कितना आ गया बेटा, -3। यानी मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, a की वैल्यू आ गई -3। तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ये तो चलो यहाँ पे दो ही कोफिशेंट, दो ही वेरिएबल्स हैं a और b, तो ईजी था, कंपेयर भी कर सकते थे आप, बट जब तीन चार होते हैं ना, तो ये वाला मेथड इज मच बेटर देन कंपैरिजन मेथड। आई होप यू रियलाइज दैट। ओके, अब क्या करने वाला हूँ मैं, x = -3 रखने जा रहा हूँ। जब मैं x = -3 रखने जा रहा हूँ, तो ये वाली चीज़ हो गई 0, और ये कितना हो गया मेरे पास, b × -1, है ना, तो ये -b हो गया। लेफ्ट साइड पे जब -3 रखूँगा कितना हो जाएगा, -42, राइट, तो -42 और ये 25, यानी कितना हो जाएगा, आई थिंक 17 हो जाएगा ना, दैट विल बी -17। ठीक है, -17 हो जाएगा, तो ये -+ हो गया, तो मुझे b की वैल्यू 17 मिल गई। ठीक है, अब देखो ये कितना आसान हो गया बेटा, a = -3 एंड b = 17। राइट, लेट अस गेट बैक। a = कितना आया था यार, मैं भूलता बहुत है यार, मैं बड़ी प्रॉब्लम है मेरे साथ, -3 एंड 17, राइट, -3 एंड 17, राइट, दैट इज़ व्हाट आई गॉट एज द वैल्यू ऑफ a एंड b। और आपको पता है यही वाला एक्सप्रेशन तो था, तो आधा तो पहले ही हो चुका था। अब इसको तुम अगर चाहो तो इसको i1 बोल लो, तो i1 की वैल्यू कितनी हो गई, dx, एंड आई एम श्योर everyone knows that the answer is -3 log of x + 2 plus 17 times log of x plus 3। तो ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन में कोई भी एफर्ट खर्च नहीं हो रहा, यू आर नॉट पुटिंग एनी एफर्ट इन द इंटीग्रेशन पार्ट। जो भी एफर्ट जा रहा है वो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन में जा रहा है। ठीक है बच्चों, अगर ये वाली चीज़ तुम सबको समझ में आ गई, देन क्विकली राइट यू इन द कमेंट बॉक्स, जस्ट राइट यू, एंड देन आई कम टू सम क्वेश्चंस। आई वुड लव टू डिस्कस सम क्वेश्चंस, राइट, एज यू नो, जब तक मैं कुछ कॉन्सेप्ट के बाद कुछ क्वेश्चंस ना करा लूँ, मेरी ना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता मुझे, राइट, आई डोंट फील गुड इन डीप इनसाइड, आई फील वेरी बैड, अरे यार क्वेश्चंस नहीं कराया बच्चों को। ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस अपने लिए करा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, सो दैट आई शुड फील गुड आफ्टर द क्लास। ऑल राइट, लेट्स लुक इन टू सम क्वेश्चंस। बिफोर दैट, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्लास के बाद नोट कर लेना। मैं जब तक तुम इसको स्क्रीनशॉट ले रहे हो, मैं थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ कर देता हूँ। देखो, पार्शियल फ्रैक्शन में आपको मोस्टली यही पांच फॉर्म्स मिलने वाले हैं, दीज आर द 5 फॉर्म्स दैट यू आर गोइंग टू गेट इन पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसको तुम किस तरीके से ब्रेक करोगे, ये उसकी एक थ्योरी है, राइट, इसको हम थोड़ा समझ भी लेते हैं। कभी भी अगर ऊपर तुम्हारे पास px, एक तो ध्यान से देखो, ये सब के सब क्या है, रैशनल है, राइट, बल्कि प्रॉपर है। यहाँ देखो, पहले सबसे पहले चीज़ मैंने क्या बताई थी, प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर्टीज को पहले प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे, जस्ट द वे आई डिड द प्रीवियस एग्जांपल। तो ध्यान से देख लो, यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ पे नीचे 2 है, यहाँ पे 1 है, नीचे 2 है, यहाँ पे 2 है, नीचे 3 है, यहाँ पे 2 है, नीचे 3 है, ध्यान से देखो, इट इज x² × x। ठीक है, तो ये सब के सब क्या है, ये सब के सब प्रॉपर हैं। ठीक है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। ठीक है, तो अगर मेरे पास प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, तो मैं स्ट्रेट अवे इसको अप्लाई करूंगा। इम्प्रॉपर है तो ध्यान रखना, नेवर फॉरगेट। ठीक है, हमेशा पहले प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही हम इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अगर प्रॉपर है तो स्ट्रेट अवे आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करेंगे। कैसे करेंगे, देखो अभी क्वेश्चन में भी करके बताऊंगा, बट फॉर द टाइम बिंग आप स्क्रीनशॉट जरूर से ले लीजिए, और क्लास के बाद अपने नोट्स में जरूर से लिख लेना। ठीक है, दिस इज लाइक अ समरी ऑफ द एंटायर पार्शियल फ्रैक्शन, इसके बाहर कुछ भी नहीं है पार्शियल फ्रैक्शन में। ठीक है, तो देखो अगर दो पार्ट्स हैं तो क्या देखा था हमने, a अपॉन x माइनस a, b अपॉन x माइनस b। अगेन फैक्टराइज करके, मतलब ऊपर इसको
सिंप्लीफाई करके ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। सिमिलरली अगर यहाँ पे स्क्वायर है, राइट, अगर तुम्हारे पास स्क्वायर आ जाता है तो क्या करोगे, ए ओवर एक्स माइनस ए और बी ओवर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे से तुम्हें क्या मिल जाएगा, जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो लॉग मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, ये तुम्हारा कौन सा फॉर्म बन रहा है, ध्यान से देखो, ये तुम्हारे पास ये वाला फॉर्म बन रहा है, राइट, और इसकी इंटीग्रेशन आई होप आपको ध्यान होगी, ये एक्स स्क्वायर माइनस टू है, कुछ और नहीं है, है ना, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस वन, यानी कि माइनस वन डिवाइड बाई माइनस वन, राइट। तो एक्चुअली में ये कितना होता है, वन ओवर है। तो ये सब फॉर्म्स कुछ डिफरेंट नहीं है, मतलब फॉर्म्स वही होंगे जो तुम्हें ईजिली आते हैं। अगर तीन चीज़ें हैं, ये वाला एग्जाम्पल तो हमने इस टाइप का भी करा है ना, तो क्या करेंगे, ए ओवर एक्स माइनस ए, बी ओवर एक्स माइनस बी, सी ओवर एक्स माइनस सी। और ए बी सी कैलकुलेट करने के लिए मैंने तुम्हें दो तरीके बताए हैं बेटा, दो तरीके बताएं, एक कोफिशिएंट को कंपेयर करके, और दूसरा आप डायरेक्टली वैल्यूज रख लीजिए, एक बार एक्स इक्वल टू ए रख लो, एक बार एक्स इक्वल टू स्मॉल बी, और एक बार स्मॉल सी रख लो, वो ज़्यादा फास्टर और ईजियर मुझे लगता है, ठीक है। अगर तीन या तीन से ज़्यादा वेरिएबल्स हमारे पास हैं, आई वुड सजेस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ एक्स सो दैट अदर्स बिकम जीरो एंड यू गेट वन ऑफ द वेरिएबल्स, ठीक है। इन केस यू हैव द फोर्थ फॉर्म वेयर यू हैव एक्स माइनस ए होल स्क्वायर एंड एक्स माइनस बी, तो इस केस में आप क्या करेंगे, एक बार एक्स माइनस ए लेंगे, दूसरी बार एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर लेंगे, और फिर एक्स माइनस बी को तो एज इट इज दे लेंगे, ठीक है। इन केस अगर तुम्हारे पास ये फैक्टराइजेबल नहीं है, ध्यान से देखो, ये कौन सा फॉर्म है, ये है तो क्वाड्रेटिक बट ये फैक्टराइजेबल नहीं है, ठीक है। तो अगर ये फैक्टराइजेबल नहीं है तो उस केस में आप क्या करेंगे, ये वाली चीज़ तो कोई टेंशन नहीं है, ए ओवर एक्स माइनस ए हो गई, और ये जब फैक्टराइजेबल नहीं है तो ऊपर हम लोग क्या करेंगे, बी एक्स प्लस सी लेंगे, ठीक है। ये पांच फॉर्म्स अगर आपको ध्यान रहते हैं, ध्यान रहेंगे, बिकॉज हम क्वेश्चंस करेंगे तो सर्टेनली ध्यान रहेंगे, ठीक है। तो अब आइए एक क्वेश्चन पिक करते हैं और देखते हैं क्या उसमें हो सकता है, राइट। लेट मी पिक एनी क्वेश्चन ऑफ योर चॉइस, कमेंट मी द क्वेश्चन दैट यू वांट मी टू पिक अप, एनी क्वेश्चन। द फर्स्ट कमेंट विल बी सर्व्ड, राइट, विच इज द फर्स्ट कमेंट, द फर्स्ट कमेंट दैट आई गेट that will be discussed. Yes. No comment, you're tired? Okay, finally I've got a comment. So I'll discuss that. Right. Seventh question is the, in fact two people have commented seventh. Right. आइए देखें. Seventh question discuss करते हैं. Quickly I'll look into this. बहुत easy है, तुम्हें अब इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. मैंने बोला integration वाले part को रहने दो पहले. पहले सिर्फ तुम इसका algebra वाले part पे focus करो. कितना है? 5x. नीचे क्या है भाई, x प्लस वन, अब जो बचा क्या वो फैक्टराइजेबल है, हाँ है ना, एक्स स्क्वायर माइनस फोर है, मतलब उसको मैं क्या लिखूंगा, x माइनस टू एंड x प्लस टू, समझ रहे हो ना बच्चों, ठीक है। अब मैं इसको कैसे लिखने जा रहा हूँ, वही पुरानी बात, a ओवर x प्लस वन, b ओवर x माइनस टू एंड c ओवर x प्लस टू। इसके बाद तो अगेन कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक्सप्रेशंस को ध्यान से लिख लो। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, कोई मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन मत करो, राइट, क्या करने जा रहे हो, वैल्यूज पुट करना ज़्यादा आसान होता है, ठीक है, कैलकुलेशन कम आती है, साथ में क्या हो जाएगा इसके साथ, यहाँ प्लस होना चाहिए ना, मैंने ये इक्वल टू कैसे लिख दिया, और एक्स प्लस टू, और सी के साथ कितना आ रहा है मेरे पास, सी के साथ आ रहा है एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू, सिर्फ ए बी सी की वैल्यू निकालनी है एंड इट इज़ डन, ठीक है। अच्छा ठीक है डेबोलिना, इसके बाद ये भी ले लेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर थ्री भी ले लेंगे जस्ट आफ्टर दिस क्वेश्चन। तो देखिए, जैसे ही आपने यहाँ पे कंपेयर करना शुरू किया, मैं यहाँ पे कहाँ से शुरू करूँगा, मैं x इज इक्वल टू माइनस वन रखूँगा, जैसे मैंने माइनस वन रखा ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, राइट, माइनस वन रखा लेफ्ट साइड कितना बन गया, माइनस फाइव बन गया, बिकॉज जो भी रखोगे दोनों तरफ रखोगे, ठीक है। यहाँ माइनस वन रखा तो कितना हो गया बेटा, इट इज़ a इंटू माइनस थ्री, और ये कितना बन गया मेरे पास, वन, यानी मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, इट इज़ फाइव अपॉन थ्री, मतलब विदाउट पुटिंग इन मच एफर्ट यू गेट द वैल्यूज। अब क्या करने जा रहे हो, अब तुम क्या करो, x इज इक्वल टू माइनस टू रख लो, ठीक है, माइनस टू रख लो, जैसे तुम माइनस टू रखोगे बेटा, ये वाली चीज़ हो गई जीरो, और माइनस टू रख रहे हैं ना, ये x प्लस टू था ना, मैंने x नहीं लिखा, देखो ध्यान से यार, राइट, तो चलो माइनस टू रखा तो कोई बात नहीं, तो ये जीरो हो जाएगा, राइट, और ये वाली चीज़ मेरे पास नॉन जीरो रहेगी, माइनस टू रखूंगा तो कितना हो जाएगा, सी इंटू माइनस वन, और ये हो जाएगा माइनस फोर, और लेफ्ट साइड पे कितना हो गया माइनस टू से, माइनस टेन आ गया, ठीक है, जो भी वैल्यू रखनी है दोनों तरफ रखनी है, तो कितना हो गया बेटा, फोर सी इज इक्वल टू माइनस टेन, तो सी इज इक्वल टू माइनस टेन बाई फोर, यानी मैं सी की वैल्यू कितनी लेने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू टेक सी इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई टू। आई होप यू फाइंड इट ईजी, राइट,
एंड कमिंग टू द थर्ड पार्ट जहां मैं अब बी का कोफिशियंट जीरो नहीं बनाऊंगा, ठीक है, सिर्फ बी के कोफिशियंट को देख लेंगे, उसको जीरो नहीं बनाना है, ठीक है। तो बी को मेरे पास माइनस वन और टू नहीं रखना, मतलब क्या रखूंगा अब मैं, अब मैं यहाँ पे रख दूंगा प्लस टू, कितना रखूंगा प्लस टू, प्लस टू रखने से ये वाली चीज़ जीरो हो गई, ये वाली चीज़ जीरो हो गई, तो प्लस टू रखने से मेरे पास बी के साथ कितना आ गया, मेरे पास आ गया ये टू थ्री और ये कितना आ गया फोर, लेफ्ट साइड पे मैंने टू रखा, कितना आ गया बेटा, दैट इज कमिंग आउट टू बी टेन, शाबाश, बी इज कमिंग आउट टू बी टेन ओवर ट्वेल्व, डू वी नो द वैल्यू, यस वी कैन राइट इट एज फाइव बाई सिक्स। आई होप यू रियलाइज द मोमेंट यू गेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी, आई एम प्रीटी श्योर एवरी वन अमंग यू कैन राइट द आंसर। ए वॉज फाइव बाई थ्री, तो फाइव बाई थ्री लॉग ऑफ एक्स प्लस वन, then b was 5 by 6, so 5 by 6 log of x minus 2, and c was minus 5 by 2, so minus 5 by 2 log of x plus 2. I hope it's easy for everyone among you. I'll quickly move to one more question that was asked, right, that was question number 3, aao dekh lete hain, bahut fast bhi karunga, session record bhi ho raha hai to upload bhi ho jayega. होपफुली टुडे और टुमारो, मैं हालांकि ऐसे बहुत प्रॉम्प्टली कोशिश करता हूँ कि सेम डे कर दूँ, राइट, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि बिल्कुल भी आपके लिए रिसोर्सेज हमेशा अवेलेबल हों। अब बेटा क्या है डबल ई ना, ये दिस इज इम्प्रॉपर, तो पहले इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करें, क्या करें, लॉन्ग डिविजन करते हैं बेटा, तो इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, एंड हमें डिवाइड क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, लेट मी राइट द क्वेश्चन हेयर, मैंने वन लिखा बिकॉज बड़े वाले पार को ही कैंसिल करना होता है, ये वाली चीज़ x हो गई और ये मेरे पास माइनस सिक्स आ गई, तो साइन चेंज, दिस इज गॉन, दिस इज गॉन, दिस इज कमिंग आउट टू बी प्लस फाइव, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को, क्वेश्चन नंबर थ्री को मैं कैसे लिखूंगा, आई एम गोइंग टू राइट इट एज द कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन व्हाट, अपॉन द डिवाइजर, एंड द डिवाइजर इफ यू लुक इनटू दिस बेटा, ये चीज़ फैक्टराइज हो रही है बहुत आसानी से, फैक्टराइजेशन की प्रैक्टिस आई होप आप लोगों ने कर रखी है, डायरेक्टली तुम्हें ये सब चीज़ें दिखनी चाहिए, राइट, स्पेशली टू दोज जो लोग कॉम्पिटिशन को सोचते हैं, राइट, ये सब चीज़ें तो स्ट्रेट अवे आपको दिखनी चाहिए कि हाँ इस तरीके से फैक्टराइज हो जाएगा, माइनस सिक्स है, अच्छा देखिए प्लस थ्री और माइनस टू में होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस वन है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो ऐसे हो जानी चाहिए, फिर भी अगर कोई परेशानी है तो पूछ लेना बेटा, ठीक है। ये कितना हो गया बेटा, दैट इज एक्स, अब इस वाले पार्ट को क्या करोगे, डेफिनेटली पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, और तरीके भी तुम्हें आते हैं, ऐसा नहीं है अभी तक तुम सारे तरीके सीख चुके हो, बस यही तीन तरीके हैं, यू नो एवरी थिंग नाउ, बट देन एज यू नो एवरी थिंग यू शुड यूज द मोस्ट एफिशियंट थिंग वेर एवर एंड हाउ एवर इट इज यू नो इट कैन बी अप्लाइड, ठीक है। तो अब इस वाले पार्ट को, ये वाला जो पार्ट है मेरे पास, इसको मैं क्या एक्सप्रेस करने जा रहा हूँ, इसका मैं अलजेब्रा वाले पार्ट को अलग से लिखूंगा कुछ इस तरीके से, x प्लस थ्री एक्स माइनस टू, ये हो जाएगा मेरे पास a ओवर x प्लस थ्री डी ओवर x माइनस टू, और मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको थोड़ी भी परेशानी आने जा रही है, a इंटू x माइनस टू एंड b इंटू x प्लस थ्री, x इज इक्वल टू, एक बार क्या करो माइनस थ्री रख लो, माइनस थ्री रखा तो कितना आ गया, ये तुम्हारे पास माइनस फाइव हो गया, यानी a इज इक्वल टू माइनस वन आ गया, ठीक है, a इज कमिंग आउट टू बी माइनस वन, फिर मैंने x इज इक्वल टू टू रखा, जब टू रखा तो ये जीरो हो गया, ये हो गया फाइव, यानी b इज इक्वल टू वन आ गया, काम ही खत्म हो गया भाई, यानी तुम्हारे पास देखो आंसर क्या हो गया बच्चे, ये हो गया x, ये आएगा माइनस a ओवर दिस, माइनस a ओवर दिस, तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस log ऑफ x प्लस थ्री, और b मेरे पास वन है तो दैट विल बी log ऑफ x माइनस टू, क्योंकि ये प्लस माइनस का फॉर्म है तो मैं इसको एक स्टेप और आगे जाके सिंप्लीफाई करना चाहूँगा, लेट मी राइट इट हेयर इन अ डिफरेंट कलर, इट शुड बी log ऑफ प्लस साइन के साथ रखूंगा x माइनस टू ओवर x प्लस थ्री प्लस थ्री, आई होप दैट इज फाइन चिल्ड्रेन, वंडरफुल, शाबाश बेटा, सो यू कैन ट्राई द क्वेश्चंस नाउ, अब यू आर आई मीन रेडी टू स्टार्ट एनीथिंग, राइट, यू कैन फिनिश द इंटायर आर डी शर्मा नाउ, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, लेकिन फिर भी कल की क्लास भी हम लोग डिस्कशन रखने जा रहे हैं, ठीक है, कल भी हम इसको ही डिस्कस करने वाले हैं,